हमें छोटे भाई का ही 25 दिन के बाद पता लगा था वो मर गया। किसी ने हमने पूछा, वो तो 8-10 दिन में घर आ जाया करता था, सिकंदर नाम था उसका, कंडक्टरी करता था, खजूरी में रहता था यहाँ। तो हमने फोन करा उसके स्टाफ के पास भी, कह ले हमारा भाई कहाँ, भाई नहीं आया हमारा, कह ले भाई इसको तो मार दिया। फिर हम खजूरी थाने गए SHO साहब के पास, वो कह लगे भी हमने 21/27 में बॉडी जमा करी है, इसकी पहचान कर लो। अगर फिर हम गए गुरु टेक बहादुर में, लाश जहाँ रखी रहती है, हम वहाँ लाश देखते हैं, हमारे तो भाई हम पहचान गए। हुआ मैं तो जी 3 बजे तक अपनी दुकान पर था, दुकान पर बंद था। मैं तो सोच रहा छोटी मोटी घटना होगी, अभी बंद हो जाएगी, दिल्ली में झगड़े वगड़े कहाँ होते हैं। मैंने कहा चलो अभी रुक के चला जाऊँगा जब शांत हो जाएगा। जब देखा मैंने भाई 3:30 बज गए, तो अड़ोसी पड़ोसी भी कह लगे भाई आप यहाँ से निकल जाइए, कोई उल्टी सीधी बात नहीं हो जा भाई। मैं तो दुकान बंद करके ऊपर सपने आ गया, सामने कर लिया, मैं उसके अपने जैसे भी घर पर आ गया। अब यहाँ मॉल ज़्यादा ख़राब हो गया, तो दुकान हमारी 6-7 के बीच में हमारी दुकान लूट ली गई। बाकी दुकान लूट गई, मेरा बहन का घर लूट गया, मेरे भाई भी मर गया। बाकी हमें अभी किसी से कोई सार मदद नहीं मिली, हमें किसी कहीं से भी कोई, हम इतने मजबूर हैं, हम समझ लो जहां थे वहीं आगे सड़क पे ही। पुलिस ने तो अब क्या बताया आपको, पुलिस ने तो बताया उसमें दंगा लूट के अलावा उसमें चोरी ली थी। चोरी का क्या मतलब, चोरी थोड़ी ना होती है, वो तो दंगा ही लूट ही है, लूट की जगह भी चोरी लिख रखा है। लेकिन हम किसी का नाम भी नहीं ले सकते क्योंकि हम तो थे नहीं वहाँ। अब ये जो है दंगाइयों ने लूटी है, एक सरेआम लूटी है, पिक्चर में हमने देखी, पिक्चर में पुलिस वाले भी बैठे हुए देख रहे हैं, देख के भी आते हैं, लेकिन इसमें कोई क्या कर सकता है, उसमें पिक्चर है। अब हम गए पिक्चर को देखा तो उसकी जो है कैनेडी लाइट क्या बोलते हैं खत्म हो गई, 15 दिन के बाद खत्म हो जाती गई है। एक तो हम इस दंगे में बर्बाद हुए, अभी लॉकडाउन जो हुआ है अब इसमें जो है और ज्यादा परेशानी होगी। पहले तो उम्मीद ये थी कि चलो गवर्नमेंट से हमें कुछ मिल जाएगा, हमने कानूनी कार्रवाई सारी कर दी है, लेकिन अब ये लॉकडाउन हुआ था, वहां से भी कुछ सहायता नहीं हो रही, तो हमें जो है बहुत किल्लत में, बहुत परेशानी में पड़े हुए हैं। समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, खाने तक की परेशानी पड़ी हुई है इस टाइम। केजरीवाल सरकार से अभी तक कुछ नहीं, बस केजरीवाल उनके ही सहारे बैठे अब तो। अगर इन्होंने हमारी मदद कर दी तो दुकान हमारी खुल जाएगी, बाकी हमें ताकत नहीं रहेगी हम दुकान खोल लें। सरकार पर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो हमें दे में कुछ तो थोड़ा सा हमारा जो सुधार होगा, कुछ तो स्टार्टिंग तो हम करें, उसी के पैसे से हमारी स्टार्टिंग हो सकती है, नहीं हम तो समझ लो ख़त्म है। जो गवर्नमेंट हमें दे देगी पैसा तो हम दुकान खोल लेंगे, नहीं बाकी हमारे पास नहीं है इतनी ताकत जो हम उसको दुकान को स्टार्ट कर सके। अब जो पैसा आता है वो बाहर जाता है थोड़ा, और जो पैसा आता है तो सब दुकान में ही माल होते हैं, हम पे हमने बैलेंस नहीं है इन पर कुछ भी, इसलिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्योंकि हम सोच रहे थे चलो ये बाहर के भी उधार निपटा दें चलें, और दुकान में सीजन का टाइम है, सब माल इसमें पैसा बताए, हमारे पास कुछ नहीं था, इसलिए परेशानी होती। नहीं आदमी कहेगा भाई इतना बड़ा चोर होता है इन पर, ऐसा तो होना चाहिए, पैसे की वजह ये है कि जो हम पे पैसा नहीं है। Thank you.